नहीं, इनको क्वालिफाई कर चुकी है, डीआरएस क्वालिफाई कर चुकी है, टाइटंस एंड एचवीवीपी आर नॉट क्वालिफाइंग, एंड मैं डीआरएस के लिए बहुत खुश हूं, मैं इनको के लिए भी खुश हूं, लेकिन डीआरएस डीआरएस और आईएचसी, व्हाट अ टीम यार, व्हाट अ टीम, एंड वैम्पायर्स फॉर अ कमबैक, वैम्पायर्स फोर्स ने भी बहुत शानदार कमबैक दिखाया। मुझे ज्यादा खुशी ऑनेस्टली आईएचसी की और डीआरएस की हो रही है, क्योंकि आईएचसी ने बहुत स्ट्रगल किया यार, आईएचसी ने बहुत स्ट्रगल किया। वो सर्वाइवल स्टेज का आखिरी दिन ही था जब आईएचसी के प्लेयर्स ने 65 पॉइंट्स निकाले थे 4 मैचेस के अंदर। सो ये कोशिशें, ये काविशें उनको ग्रैंड फिनाले तक लेकर जाती हैं, एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू अल्फा 7, वैम्पायर ईस्पोर्ट्स, आईएचसी एंड डीआरएस गेमिंग और इनको गेमिंग, जो कि आखिरी 10-15 मिनट के अंदर अपने आप को क्वालिफाई करवा लेते हैं। और टाइटन्स के लिए आई फील सैड फॉर एचवीवीपी। एचवीपी का क्वालिफाई ना होना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। टीम एलजीडी का क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। टीम बेकन टाइम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, हालांकि एगोनिक साइड ने उनसे बेहतर खेला इस आखिरी मैच में। बीटीआर ने बहुत स्ट्रगल किया। रिजेक्ट, चले वो तो अपनी गलती की वजह से ही क्वालिफाई नहीं हुए, जिस तरह के उन्होंने स्लैम इन दिया डीडब्ल्यूजी पर, डीडब्ल्यूजी का भी बेहतर नहीं रहा लास्ट चांस। लेकिन निग्मा गैलेक्सी ने तो हद ही कर दी, जितना चोक किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा ही लड़खड़ा गए एंड पर आकर। लेकिन ग्रैंड फाइनलिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई करने वाली वो टीम्स, नौ टीमें आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जिसमें बुरेराम यूनाइटेड ईस्पोर्ट्स, इन्फ्लुएंस केमिन, S2G ईस्पोर्ट्स, गॉड लाइक एक्सटॉलवर्ट, साउथ एशिया की शान और नोवा एनवी, फायरफ्लक्स ईस्पोर्ट्स, गीक फैम, 4AM और T2K ईस्पोर्ट्स भी साउथ एशिया की शान शहजादे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया। और लास्ट चांस में से जाने वाली 5 टीम्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं, और 2 स्पेशल इन्वाइट्स भी हैं जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, SMG और AE। अल्ट्रा ईगो और SMG दोनों टीम्स यहाँ पर जब स्पेशल इनवाइट के साथ ज्वाइन करती हुई नजर आएंगी लास्ट ऑफ ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। लेकिन हम तीनों हजरात आज के दिन के मैचेस, क्या ही ज़बरदस्त मैचेस गए, क्या ही इंटरेस्टिंग खेले कंपटीशन रहा। लेकिन बात करेंगे इस पूरे टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की, एंड दैट्स गोना बी नन अदर देन A7 रीवो। इस प्लेयर ने 10 किल्स निकाले थे आज के एक मैच के अंदर, आज बराबर के मैच में 30 एलिमिनेशन इन 12 मैचेस, और ये सोलो एलिमिनेशन हैं। ये 5,316 का डैमेज इन्होंने दिया, और रिवो की 22% टीम कंट्रीब्यूशन भी है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एलिमिनेशन किल 373 मीटर का है। खूबसूरत टीम यार, खूबसूरत टीम के खूबसूरत प्लेयर जी, बहुत अच्छा खेल दिखाया है इन्होंने अपनी टीम की तरफ से। लेकिन आज के दिन का होता है अख्ताम, ग्लोबल चैंपियनशिप के सर्वर स्टेज का होता है अख्ताम, यहीं तक सफर था एगोनिक साइड का अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत सारी उम्मीदें दिलाई फैंस को, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए थे इस ग्लोबल चैंपियनशिप के साथ, और मुझे तो मज़ा आया आदि, आई एंजॉयड इट, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अला दिन वाकई मज़ा बहुत आया, और मैं थैंक यू कहूँगा एगोन एक्साइट को, एगोन ई स्पोर्ट्स को ख़ास तौर के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट द स्टेज I8 का साथ दिया, जहाँ पर वीज़ा इशूज़ भी हुए, कुछ एंड मोमेंट पर इशूज़ भी हुए, और वो भी उन्होंने किए। लेकिन खैर, अभी के लिए चलते खवातीन हज़रात टीम इन को, जिन्होंने आखिरी मोमेंट पे आकर, आखिरी मैच में आकर कमबैक दिखाया, उनका एक इंटरव्यू सुनते हैं। Qualifiers. It's of course, ladies and gentlemen, I am joining together with Netabat here from Team Inco Gaming. They just recently finished their final match, and of course, congratulations! You've just made it to the next round itself by having just 1 point difference than the sixth place. So, how are you feeling right now? And now, LEDs